नमस्कार, जेके मीडिया देख रहे हैं आप। देखिए, काफी लंबे समय से लोगों को इंतजार था कि जम्मू कश्मीर के अंदर चुनाव नहीं हो रहे हैं, लेकिन आखिरकार जो चुनाव हुए, जितने भी जो तीन फेजेस थे उनके जो चुनाव जो खत्म हो चुके हैं, और जितनी भी पार्टियां हैं वो दावे कर रहे हैं कि हमारी जो सरकार जम्मू कश्मीर के अंदर बनेगी, लेकिन एक बड़ा दिन, ऐतिहासिक दिन जो 8 तारीख को आने वाला है, यानी 8 तारीख को जो काउंटिंग होगी, और खासकर मैं डोडा जिले की बात करूँ तो इस बार जो तीनों जो डोडा की सीटें हैं उनको उनकी जो काउंटिंग डीसी जो आपस में रखी गई है, यानी डीसी आपस का जो इलेक्शन सेल है वहां पर ये काउंटिंग रखी गई है। पुख्ता अरेंजमेंट्स यहां पर किए गए हैं, 3 टायर यहां पर जो सिक्योरिटी रहेगी, तो कहीं ना कहीं जो इस बार मैं आपको बताऊं तो डोडा के अंदर 18 तारीख को जो एक बड़ा उत्साह होगा, कौन कैंडिडेट जो जीतकर आएगा, क्या आपने जिस कैंडिडेट को वोट्स किए थे क्या वो कैंडिडेट जीतकर आएगा, किस प्रकार से आगे जो काम होंगे ये तो देखने वाली बात होगी। लेकिन जिस घड़ी का लोगों को इंतजार था कि 8 तारीख को, यानी 8 अक्टूबर को जो डोडा में जो तीन जो सीटें हैं, यानी जो भद्रवा की सीट इसमें आती है, इसके अलावा जो डोडा वेस्ट है, डोडा है, तो कहीं ना कहीं जो डोडा डीसी ऑफिस कम्प्लेक्स जो इलेक्शन सेल है वहां पर ये काउंटिंग के अरेंजमेंट्स रखे गए हैं, टाइट यहां पर सिक्योरिटी रखी गई है, 3 टायर जो यहां पर सिक्योरिटी रखी गई है। डीसी जो डोडा हरविंदर सिंह जी ने खुद जो इसके बारे में कहा है कि हो सकता है कि अगले दिन ही शाम को हमें जो गाड़ियां आसपास जो लगी होती हैं, यानी पार्किंग जो लोग करते हैं उनको भी जो हटाना पड़े, तो लोगों का भी कहीं ना कहीं हमारे साथ जो कोऑपरेशन होना चाहिए ताकि स्मूथली तरीके से हम काउंटिंग कर सकें। जिस प्रकार से एक अच्छा मैसेज जो डोडा डिस्ट्रिक्ट से पहले भी गया था, किसी प्रकार की कोई वायलेंस जो चुनाव के अंदर जो देखने को नहीं मिली थी, जो 18 तारीख को फर्स्ट फेज के चुनाव यहां पर हुए थे, तो किसी भी प्रकार की वायलेंस जो डोडा के अंदर देखने को नहीं मिली थी, तो डीसी आपस जो अपील लोगों से कर रहे हैं कि डीसी डोडा जो अपील लोगों से कर रहे हैं कि आपका जो कोऑपरेशन होना चाहिए, और अपने घरों में आप उस दिन बैठे, यानी 8 तारीख का जो दिन है एक ऐतिहासिक दिन होने वाला है, और कोशिश की जा रही है कि पूरे टाउन के अंदर जो जगह जगह पर स्पीकर्स लगाए जाएंगे, वैसे भी जो इनकी वेबसाइट है उस पर जो पूरा पता चलेगा कि कौन आगे चल रहा है, कहां तक जो काउंटिंग पहुंची है, कौन सा कैंडिडेट जो जीत रहा है, किसकी जो लीड है, तो पूरे अरेंजमेंट्स किए गए हैं। और सभी से जो निवेदन है कि अपने घर जो बैठकर जो काउंटिंग का जो मजा लें, अपने घर में जो काउंटिंग सुने, पूरे पूरा जो पल पल का अपडेट जो आपको दिया जाएगा, कोऑपरेशन जो एडमिनिस्ट्रेशन के साथ बनाकर रखें ताकि स्मूथली तरीके से जो काउंटिंग हो। जिस प्रकार से जो डोडा जाना जाता है इलेक्शन में, यहाँ पर जो चुनाव हुए थे उसमें भी जो काफ़ी बढ़िया तरीके से यहाँ पर जो चुनाव जो करवाए गए थे, हालांकि कुछ जगहों से ये जो सुनने में आता था कि वायलेंस हुई या कोई धांधलियाँ हुई, लेकिन डोडा में काफ़ी जो स्मूथ तरीके से जो चुनाव हुए थे, तो कहीं ना कहीं डीसी डोडा ने जो अपील की है कि लोगों को जो एडमिनिस्ट्रेशन के साथ कोऑपरेशन करना चाहिए, अपने घरों में बैठना चाहिए, और डोडा टाउन के अंदर हम जो अपनी तरफ से कोशिश कर रहे हैं कि सभी को जो अपने घर में ही जो काउंटिंग का पता चलेगा, लाइव देखने को मिलेगा, और एक बड़ा ऐतिहासिक दिन जो आने वाला है जिसको लेकर जो लोग काफ़ी समय से इंतज़ार कर रहे थे कि भाई वोट तो हमने किया है, पहले चुनाव नहीं हो रहे थे, सरकार यहाँ पर नहीं थी, एलजी जो प्रशासन था, हम जो डेमोक्रेसी में रहते हैं, तो कहीं ना कहीं जो 10 सालों के बाद जो चुनाव की वो डेट जो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने जो तय की कि 18 से यहाँ पर जो चुनाव होंगे, थर्ड जो फेज में ये चुनाव होंगे, तो कहीं ना कहीं वो चुनाव भी ख़त्म हुए, उसके बाद जो काउंटिंग, यानी 8 तारीख को जो काउंटिंग होनी है उसके लिए मैं एक बार फिर से आपको बताऊं कि तीनों सीटों की काउंटिंग जो डोडा डीसी ऑफिस कम्प्लेक्स में होने जा रही है। आप देख रहे हैं जेके मीडिया, धन्यवाद।